जबलपुर के जीआरपी थाने का है, जहां पुलिस को मुखबिर की सूचना से मिली कि एक युवक सोने के जेवर बेचने की फिराक में घूम रहा है, जिस पर तत्काल हरकत पर आते हुए टीआई मनजीत सिंह ने राजेश राज, सुशील पहलवान, यदुवंश मिश्रा और मनोज मिश्रा की एक टीम गठित कर मौके पर रवाना किया, जहां घेराबंदी कर बताए हुए खुलिए के आधार पर टीम ने उक्त युवक को धर दबोचा, जिसकी तलाशी लेने पर एक मंगलसूत्र, एक अंगूठी और एक जोड़ी कान के झुमके बरामद कर गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में एसआई विनोद शुक्ला ने बताया कि नीरज द्विवेदी, पिता सुनील द्विवेदी, रीवा निवासी, जो कि आतंक अपराधी, जिस पर कई चोरी, लूट और मारपीट के कई प्रकरण दर्ज है। जबलपुर से पुष्पेंद्र परिहार के साथ यतेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 11/11/2019 को रात्रि करीब 10 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक सस्पेक्ट बदमाश सोने की जीवरात बेचने की फिराक में ऑटो वालों से चर्चा कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़कर के थाने लाए, पूछताछ की गई, जिस पर से थाने की अपराध क्रमांक 147/19 धारा 380 IPC के मामले में फरियादिया श्रीमती राधा सिंह का दिनांक 8/6/19 को चोरी गया मसलूका सोने का मंगलसूत्र एवं कान के टॉप्स जब्त किए गए तथा थाना के अपराध क्रमांक 290/19 धारा 379 IPC के मामले में सोने की अंगूठी एवं कान के झाले, कुल कीमती करीब 51,000 रुपये का सोने का जीवरात। कैसा क्या है ये? रीवा में जी फोर व्हीलर वगैरह गाड़ियां चोरी के मामले में वहां गिरफ्तार हुआ है, मारपीट के मामले में गिरफ्तार हुआ है, वहां की भी पुलिस को सूचना दे दी है, वहां वारंट निकले हुए हैं आकर के। किस तरीके से वारदात को अंजाम देता था जी? जैसे कोई महिला आ रही है और आउटर में जैसे गाड़ी खड़ी अचानक हो जाती है सिग्नल ना मिलने के कारण, तो उस समय मौका का फायदा उठा करके जी किसी भी महिला का पर्स लेकर के भाग जाता है। रेलवे के अंदर कितने प्रकरण हैं इसके? रेलवे के अभी तो दो मामले में हमने माल बरामद किया है और अनगिनत इसके मामले होंगी, पुलिस PR लेकर के पूछताछ कर और भी मामलों क्या में। क्या नाम है इसका? नीरज द्विवेदी, पिता सुनील द्विवेदी, निवासी रीवा का रहने वाला है। क्या ले रहे होंगे, किस तरीके से, किसको बेचा करता रहा सामान को, जिसने बताया कि जेवर वगैरह रीवा में बेचता था पहले, तो वहाँ उसको डर था कि यहाँ कहीं पकड़ ना जाए। अभी सुनारों के नाम तो बताए नहीं हैं और जबलपुर में किसी सोनी के यहाँ बेचने जा रहा था, वो भी नहीं बता रहा किसके यहाँ बेचने जा रहा है।